नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीटीटी का रिजल्ट आज 22 तारीख को जारी कर दिया गया है। क्या कुछ कट ऑफ रही है और सबसे अच्छी बात बताऊंगा, काउंसलिंग को किस में फायदा होने वाला है और काउंसलिंग कितने नंबर पर अगर आप ऊपर हो तो काउंसलिंग करवाना है। कुछ खास ऑफ कट ऑफ है वो इसके अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता अभी तक रिजल्ट आया है, कट ऑफ का इसके अंदर कोई एक बार प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कट ऑफ कितनी रहेगी इस बार कन्फर्म यह हो ही गया अगर रिजल्ट देखते हुए कि इस बार का टॉप कितनी कुछ रहेगी, नंबरों के आधार पर मैं आपको लेकर आया हूं। और जो नंबर आ रहे हैं काफ़ी नंबर है, वो 270 280 270 280 के आसपास भी आ रहे हैं, तो उनको भी फायदा होने वाला है। और ज़्यादा जो नंबर है वो इस बार कम से कम अगर अपन बात करें तो 500 के ऊपर भी एक दो स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि भाई काफ़ी मात्रा के अंदर है। ये जो एग्ज़ाम था कह रहे थे भाई हार्ड कैटेगरी का आया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीटीटी 2023 की कट ऑफ की, पीटीटी 2023 के कट ऑफ की बात करेंगे भाई इस बार कट ऑफ है आपकी कितनी कुछ रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा साइंस कैटेगरी की, साइंस के अंदर अगर आप टू ईयर की मैं बात कर रहा हूँ ना, टू ईयर की जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर 370 प्लस नंबर है ना तो इस बार साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि भाई अपना रिजल्ट भी आ चुका है। अब बात करें AWS, तो AWS के अंदर लगभग आपके 360 प्लस होने चाहिए। OBC की अपन बात करें तो OBC के अंदर आपके नंबर होने चाहिए 350, ठीक है। MBC की अपन बात करें तो MBC के अंदर नंबर होने चाहिए 340 प्लस, ठीक है। SC आ गई और ST आ गई, लगभग अगर आपके 330 प्लस है, 330 प्लस है, ठीक है। और इसके अंदर ST के अंदर यह भी बताया गया है कि भाई इस बार ST 330, तो ST में भी फर्क देखने को मिला। अगर फर्क ये देखने को मिला तो यहाँ मान सकते हो 320। अब 315 वालों का, 310 वालों का भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो हाईएस्ट कट ऑफ है ना, यानी एक फर्स्ट कॉलेज की है। अपन बात करें भाई आर्ट्स की, तो आर्ट्स टू ईयर के अंदर अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल के अंदर 330 प्लस नंबर है ना, तो कॉलेज मिल जाएगी पहली आपको। OBC की अपन बात करें, OBC के अंदर 320 प्लस है तो मिल जाएगी। AWS की बात करें अपन तो 310 पर मिल जाएगी। और अपन बात करें MBC, तो MBC के अंदर 300 नंबर प्लस आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। बात करें SC और ST की, तो SC ST के अंदर ये वालों 290 प्लस है और ये आपके 285 प्लस है, क्योंकि 280 वालों का तो आला स्थान में होता है, कन्फर्म है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में, तो ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये तो हो गई भाई टॉप के अपने टू ईयर की। अब अपन यहाँ पर अगर बात करें भाई फोर ईयर वालों की, तो फोर ईयर वालों यूँ थोड़ा सा कम हो जाएगा अपना, कैसे, जैसे साइंस के अंदर अगर जनरल कैटेगरी है, साइंस की मैं बात करूँ जनरल, तो लगभग आपका नंबर मान लो आप 350 प्लस मान लो, ठीक है। OBC मान लो, OBC के अंदर लगभग आप 345 प्लस मानो, और AWS मानो तो AWS की लगभग आप 340 मानो, 340 मानो। बाद में आ गया अपना MBC, तो MBC के अंदर आप मान सकते हो 330 प्लस साइंस के अंदर फोर ईयर के अंदर। SC और ST के अंदर आप मानो 320 प्लस, और ST के अंदर 310 प्लस, तो ये नंबर रहने वाले हैं फोर ईयर, समझ गए, फोर ईयर की पीटीटी के अंदर, फोर ईयर की साइंस की। अगर आर्ट्स कैटेगरी में बात करूँ तो लगभग यही रहने वाली है। अगर जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में रहने वाली की बार अपने लगभग इन, देखो 350 नंबर है ना, तो अगर जनरल कैटेगरी अपने बात करें तो भाई यही रहने वाली लगभग 320 प्लस। AWS की बात करें तो लगभग 315 प्लस मानो। OBC की अपने बात करें तो 310 मान लो आप प्लस। MBC की बात करें तो लगभग 300 प्लस मान लो। SC की अपन बात करें, SC की और ST की, तो ये लगभग 290 और 200 लगभग 70 वालों का तो वही आता ही आता है, 270 वालों का ST के अंदर आ जाता है। तो ये कुछ कट ऑफ है वो PTT 2023 के एग्जाम के बाद, अपने रिजल्ट के बाद रही है। तो जितना उसकी वीडियो को शेयर करें, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।